हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 के रीजनिंग प्रश्न पत्र का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि 26-27 जून को होने वाले वीडियो एग्जाम में यहां से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे या इस पैटर्न के प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जहां पर कि यह आपके आने वाले एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित होगा और आप सिलेक्शन पाएंगे, यह हमारी उम्मीद है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को इस रूप में और प्रोड्यूसर को इस रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में कस्टमर को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो चलिए DIRECTOR को लिख रहा है और प्रोड्यूसर को लिख रहा है मित्रों। ठीक है, चलिए इसकी कोडिंग कर लेते हैं मित्रों, कोडिंग कर लेते हैं। देखिए, कोडिंग करने से एक चीज आसान हो जाती है, हमें तुरंत कोडिंग करने में बहुत समय नहीं लगता है। और कोडिंग करने से एक चीज आसान हो जाती है कि प्रश्न में कह क्या रहा है हमको तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा पीछे वाला अक्षर है, जो हमारा ये पीछे वाला अक्षर है, ठीक है, ये इसमें +1 हो जा रहा है और आगे के अक्षर से आप देखिएगा जो दूसरा सेकेंड आ रहा है उसमें -1 हो जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे -1 का संबंध है, इसमें +1 का संबंध है। फिर पीछे के अक्षर में देखिएगा, तीसरे में +1 का संबंध हो गया और यहाँ पे देखिएगा -1 का संबंध हो गया। ठीक, फिर यहाँ से देखिएगा +1 का संबंध हो गया, फिर यहाँ से देखिएगा आप मित्रों -1 का संबंध हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखिएगा तो आपका -1 का संबंध हो गया। ठीक है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। इसी तरीके से इसमें देखिएगा, पीछे वाली संख्या से आप देखिएगा मित्रों, पीछे वाली संख्या से +1 है। ठीक, फिर आगे वाली संख्या से दूसरे को देखिए -1 है, फिर पीछे वाली संख्या से देखिए +1 है, फिर आगे वाली संख्या से देखिएगा तो -1 है। ठीक, फिर पीछे वाली संख्या से देखिएगा +1 है, ये देखिए 3 से 4 हो गया, आगे वाली संख्या देखिए -1 है, 15 से 14 हो गया। ठीक, तो बिल्कुल इसी क्रम में हम कस्टमर को भी देखेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम कस्टमर को भी देखेंगे, तो देखते हैं कि कस्टमर का हमारा कैसे हो रहा है। CUSTOMER, ठीक, इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं मित्रों, इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। कर लिया कोडिंग, अब देखिएगा, आपने देखा पीछे वाली संख्या आगे आ रही थी तो 18 से 19 हो गया। ठीक है सर, 19 हो गया। अब आगे वाली संख्या आएगी जो कि -1 के रूप में आएगी, यहाँ पे 2 आ गया। फिर पीछे वाली संख्या से 1 जोड़ दीजिए, 5 एक 6, फिर आगे वाली संख्या से 1 घटा दीजिए, 21 में से 1 गया 20। फिर पीछे वाली संख्या में 1 जोड़िए 14, आगे वाली से 1 घटाइए 18, पीछे वाली में 1 जोड़िए 16, आगे वाले में घटाइए 19। अब इनका कोडिंग लिख दीजिए किसका किसका है ये। ठीक है, इसका कोडिंग लिख दीजिए किसका किसका है ये। ठीक, अब देखिएगा ये ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, ठीक, और सोनम श्री कमल की बेटी है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो सुमन है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जो सुमन है वो आपके कोमल की बेटी है। ठीक है, कोमल सुमन की बेटी है, कोमल जो है ये आपके सुमन की बेटी है। ठीक, और कह रहा है कि जो सोनम है वो आपके कमल की बेटी है। ठीक है,
कह रहा है कि राजा राम सुमन के ससुर हैं अर्थात उनके पति के पिता हैं और सुरेखा के पति हैं। राजा राम आपके सुरेखा के पति हैं, ठीक है, सुरेखा के पति हैं और कमल के माँ हैं, ठीक है, और कमल की माँ है, कमल की माँ है अर्थात सुमन का संबंध राजा राम से तब होगा जब कमल और सुमन पति पत्नी होंगे, ठीक है, जब सुमन और कमल पति पत्नी होंगे तो यह आप जानिए समझ रहे होंगे कि तब राजा राम जो है वो आपके सुमन के ससुर कहलाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब सुमन और कमल पति पत्नी है अर्थात कोमल और सोनम बहन होंगी, ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि कोमल और सोनम कैसे संबंधित हैं, तो ये एक दूसरे की बहन है। एक लड़का मंच पे प्रदर्शन कर रहा है, कोई लड़का है जो आपका मंच पे प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, कोई लड़का है जो मंच पे प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, उस व्यक्ति ने क्या कहा, वो व्यक्ति कहता है कि वह उस औरत के पति का बेटा है, यह जो लड़का है वो ऐसे औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी, ठीक है, जो व्यक्ति की पत्नी के ससुर, व्यक्ति की पत्नी के ससुर अर्थात इस व्यक्ति के पिता, ठीक है, इस व्यक्ति के पिता के ससुर की बहू है, ठीक है, इस पत्नी के ससुर अर्थात इस व्यक्ति के पिता की बहू है, कौन ये, ठीक, ये बहू है, ठीक है, ये बहू है। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे मित्रों कि जब आप देखिए कि ये ससुर हैं, ठीक, ये ससुर के एक ये भी बहू है, एक ये भी बहू है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये पति पत्नी है, यह व्यक्ति इस व्यक्ति का भाई तो कहलाएगा, यह इस व्यक्ति का भाई ही तो कहलाएगा, ठीक, और अगर यह भाई है तो इस व्यक्ति का और इस लड़के का संबंध यह व्यक्ति इसका चाचा और लड़का भतीजा ही तो कहलाएगा, ठीक, लड़का भतीजा ही कहलाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पति है, ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या संबंध होगा, चलिए देखते हैं। आर हैच बी का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी का भाई है, अर्थात आर जो है वो पी का भाई है, आर पी का भाई है, इसका अर्थ ये हो गया। पी प्लस क्यू, यहाँ से पी प्लस क्यू का मतलब हुआ कि जो पी है वो क्यू का पति है, जो पी है वो आपके क्यू का पति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि क्यू एट द रेट एस का अर्थ क्या है कि जो एस है, क्यू एट द रेट एस, ठीक, यहाँ पे यही ना रखेंगे क्यू एट द रेट एस, तो यहाँ मतलब एस और क्यू, तो जो एस है वो आपके क्यू का बेटा है, जो एस है वो आपके क्यू का बेटा है, बेटी है, जो नहीं सॉरी, ठीक है, एस जो है क्यू का बेटा है, और यहाँ पे पूछ रहा है एस डॉलर टी, यानी यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि जो यहाँ टी है, यहाँ एस है, जो टी है वो आपके एस की बेटी है, जो टी है वो आपके एस की बेटी है, ठीक। चलिए इतना बन गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसमें से पहला देखिएगा ऑप्शन, क्या पहला ऑप्शन सही है, आर एस के दादा हैं, हमसे पूछ रहा है क्या आर जो है वो आपके एस के दादा हैं, तो देखिएगा ये दोनों तो भाई भाई हो गए, ठीक है, अगर ये भाई हैं, इनकी बेटी है अर्थात ये एस के चाचा हुए, आर जो है आर एस के चाचा हुए, आर एस के चाचा हुए, और एस की बेटी है टी, ठीक है, तो पापा के चाचा, पापा के चाचा हैं ये, ठीक। पापा के चाचा जो हैं, आर जो हैं, वो एस के दादा हैं, आपसे यही पूछ रहा है, जबकि यहाँ एस के वो चाचा हैं, तो ये आपका पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, एस जो है पी का पोता है, इसमें एक ही पीढ़ी नीचे आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा है, बिल्कुल नहीं, यह गलत है, क्योंकि
चाचा एक पीढ़ी के अंतराल पे होता है और यहाँ पे दो पीढ़ी का अंतर है, तो ये भी गलत हो गया। टी क्यू की पोती है तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो क्यू है, क्यू का बेटा एस है और एस की बेटी है टी, अर्थात दो पीढ़ी का अंतर है। और टी क्यू की पोती है, बिल्कुल है, पापा की मम्मी टी की दादी कहलाएंगी और दादी की जो ये टी पोती कहलाएगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। ए बी के ससुर हैं, ठीक है, ए जो है वो आपके बी के ससुर हैं, बी के ससुर हैं, ठीक, ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। कौन? बी, बी जो है आपके सी की माँ है। अगर बी यहाँ पे मित्रों लेडीज है, औरत है, तो ससुर का मतलब ये हुआ कि ये इनके पति के पिता हैं, ठीक, इनके पति के पिता हैं। डी ई की माँ है, जो डी है वो आपके ई की माँ है और जो एफ और सी का पिता है, ठीक है, जो एफ और सी का पिता है। कौन? ई, ई जो है आपके, ई जो है आपका कह रहा है, ई एफ और सी, एफ और सी का पिता है, सी का भी पिता है, एफ का भी पिता है, अर्थात बी का पति है, ठीक है, ये वाला जो था, ठीक, यही है, यानी ये बी का पति है, ठीक है, यहां तक हो गया। और डी ई की माँ है, हमसे कह रहा है डी ई की माँ है, तो हमने बना लिया। अगर डी ई की माँ है, बी का ये ससुर है, यानी कि इसके पति का पिता है, अर्थात ये पति पत्नी हुई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। तो ए जो है ई के पिता है, ए जो है आपके ई के पिता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है। सभी छात्र शिक्षक हैं, देखिएगा सभी छात्र जो हैं, सभी छात्र शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षक हैं, और कह रहा है कि कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य हैं। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से अनुसरण करता है। कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो देखिएगा सभी छात्र शिक्षक हैं, तो कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। यहां पर यह बात कह पाना तार्किकता होगी, क्या यहां पर यह बात कह पाना तार्किकता होगी? फिर और देखते हैं कि सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो ये तो एकदम सरासर गलत हो गया, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये तो सरासर गलत हो गया। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं और सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, ये भी गलत हो गया। अब देखिएगा मित्रों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखिएगा, ठीक है, हमसे कह रहा है कि सभी छात्र शिक्षक हैं, यानी कि जितने भी छात्र थे वो सब शिक्षक हैं, ऐसा हम मान रहे हैं, तो जिसमें से कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो क्या कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं? बिल्कुल नहीं है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं नहीं। आप यहाँ पे देखिएगा शिक्षक और प्रधानाचार्य के बीच में ही एक आपका संबंध बनता हुआ दिख रहा है, उभयनिष्ठ है, अर्थात कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, यह वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। सभी घोड़े गधे हैं, ठीक है, सभी घोड़े गधे हैं और कह रहा है कि सभी गधे बंदर हैं और कोई बंदर बाघ नहीं है, ठीक। चलिए, सभी घोड़े बंदर हैं, बिल्कुल हैं, ए वाला आपका अनुसरण करेगा, ए अनुसरण करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए बंदर के बीच में गधा, गधा के बीच में घोड़ा, करेगा। कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे बाघ हैं, देखिएगा बाघ से इसका कोई संबंध नहीं है, बाघ अपना अलग है, इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। कुछ बंदर घोड़े हैं, देखिए सभी घोड़े अगर बंदर हैं, गधे हैं और सभी गधे बंदर हैं, तो कुछ बंदर घोड़े हैं,
बिल्कुल इसकी संभावना है। और फिर आपसे कह रहा है कि कुछ बंदर गधे हैं, बिल्कुल ये देखिए अंदर की तरफ हैं, सभी से आप कुछ निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी संभावना है, अर्थात ऑप्शन डी आपका यहाँ पर अनुसरण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आने पर आने वाले सभी अक्षरों को चार के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो ठीक है मित्रों, देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि एक से लेकर चार के गुणज कितने होते हैं। तो चार होता है एक आपका, आठ होता है, 4, 8, 12, 16। चलिए अब आप देखिएगा मित्रों, 13वें स्थान पे आपसे पूछ रहा है, तो 1 से 13 तक आप चले जाइए, ये तो हो गए 13वें स्थान पे। 13वें स्थान पे जो संख्या होती है वो हमको मालूम है, लेकिन इसमें से आप देखिएगा कि 1 से 13 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं, 4 है, 8 है और 12 है। ठीक है, 4 है, 8 है और 12 है, अर्थात इस बीच से 3 संख्या निकल जाएगी, तो 3 संख्या आप और जोड़ दीजिए, यानी 14, 15 और 16। ठीक, अब हमको पता चल गया कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को जो 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है, सॉरी मित्रों थोड़ा सा गलत हो गया हमसे, यहां पे आपसे कह रहा है कि फिर से आप देखिएगा इसको, फिर से देख लीजिए, ये आपसे कह रहा है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला को पहले लिख लीजिए, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 26। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 4 के गुणकों को छोड़कर बाकी को हटाया जाता है, जितनी भी सम संख्याएं सम संख्या पर है। एक तो ये हट जाएगी संख्या, देखिए 4 है, सम पर है, लेकिन ये नहीं हटेगी क्योंकि ये 4 का गुणक है। 6 भी हटेगा, 8 भी नहीं हटेगा, 10 हट जाएगा, 12 भी नहीं हटेगा क्योंकि ये 4 का गुणक है, 14 हट जाएगा। ठीक, 16 भी नहीं हटेगा क्योंकि ये 4 का गुणक है, 18 हट जाएगा। 20 भी नहीं हटेगा क्योंकि ये 4 का गुणक है, 4 से भाग जाता है इसमें इस, और 22 आपका हटेगा। 24 भी नहीं हटेगा, 26 हटेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा कि अब आपसे पूछ रहा है कि 13वें स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, 13 पे आपकी कौन आएगी, जो 17 नंबर पे है। तो 17 नंबर पे मित्रों आपका क्या आता है, तो 17 नंबर पे होता है आपका क्यू, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है आपसे कि किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को इस रूप में लिखा जाता है और पार्टिकल को लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एनालिसिस को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा मित्रों, इसकी हम नॉर्मल कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लिए हमें 5, 24, 20, 5, 18, 14, 1 और 12। यहाँ है आपका मित्रों 9, 25, 23, 9, 19, 15, 5 और 13। ठीक, चल अब समझते हैं, देखते हैं क्या है। अब आप देखिएगा कि ये आपका जो है, ये ई है, ये आई है, ठीक है, एक्स वाई टी यू ई आई आर एस एन ओ ए ई एल एम, इसमें यह संबंध बन रहा है, इसका कोई कोडिंग से लेना देना नहीं है। ठीक, इसका कोई कोडिंग से लेना देना नहीं है। आप यहां पे देखिएगा ई आपका वॉवेल है, ई के बाद जो वावेल आता है आई आता है, वावेल आपके हैं कौन, ए ई आई ओ यू, इनका क्रम यही है, तो ई के बाद आई वावेल आ गया, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ई, फिर यहाँ पे है ए के बाद आपका ई आ गया, देखिए ए के बाद ई है, यहाँ आई आई,
और आपका अल्फाबेट में जो है अल्फाबेट आपका जस का तस है, ठीक है। अल्फाबेट उसके ठीक आगे की संख्या आ रही है, देखिए जैसे पी है, पी के बाद क्यू आ रहा है, ए के बाद वावेल आपका ई आ रहा है, टी आर के बाद एस, टी के बाद यू, फिर आई के बाद देखिए ओ आ गया मित्रों, फिर यहाँ पे देखिए सी के बाद डी आ गया और एल के बाद एम आ गया, ई के बाद आई आ गया। तो इसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर ए के बाद आपका कौन सा वावेल आएगा, ई आ जाएगा, एन के बाद ओ आएगा, ए के बाद ई आएगा, एल के बाद संख्या कौन सी आएगी, एम आएगी, वाई के बाद जेड आएगा, एस के बाद टी आएगा, आई के बाद ओ आएगा वावेल के रूप में, और एस के बाद टी आएगा। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही रूप से मैच कर रहा है, तो इसमें आप देखिए आपका ऑप्शन जो है ई ओ ई एम जेड टी ओ टी, ऑप्शन डी आपका देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, किसी भाषा में यदि कैबेज को इस रूप में लिखते हैं, ब्रिंजल को लिखते हैं, तो पंपकिन को कैसे लिखेंगे, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या संबंध है मित्रों, सी ए बी बी ए जी ई कैबेज, बी बी ए एच जेड एफ बी। चलिए कोडिंग कर लेते हैं मित्रों, कोडिंग कर लिए। ठीक है, अब कोडिंग करने के बाद देखिएगा मित्रों इसमें आप ध्यान से, तो आपका जो यहां से है ये जो सी है, सी आपका बदल के किस में बदल जा रहा है, बी में, एक कम हो जा रहा है, ठीक है, एक आपका ये कम हो गया। फिर आप देखिएगा जो ए है, जो आपका ए है, ए आपका पीछे से एक छोड़कर ठीक एक कम हो जा रहा है, क्योंकि ए का एक होता है और अल्फाबेट में एक से लेके जेड तक 26 होते हैं, तो जब इसका एक कम करेंगे तो जेड आएगा, ठीक। फिर देखिएगा बी का तीसरे नंबर पे मित्रों एक हो जाता है, फिर आप देखिएगा बी से एक कम होके ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो चौथा बी है मित्रों, चौथा बी है इसमें देखिएगा कि यहाँ पे आके यह जीरो का परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। फिर अब देखिएगा आगे की तरफ से ही, आगे की तरफ से देखिएगा कि यह जो ए है, अब कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये देखिएगा जो ए है ये ए यहाँ पे बी बन रहा है, यानी प्लस वन हो रहा है, अभी तक माइनस वन का संबंध था प्लस वन है, अब जो जी है, जी मित्रों यहाँ पे जाके आपका एच हो गया यानी प्लस वन हो गया, और जो ई है आपका ई यहाँ जाके एफ हो गया प्लस वन हो गया। तो आप देखिएगा कि आपकी जो मित्रों आगे की चार संख्याएं हैं, आगे की चार संख्याएं हैं, इनका संबंध पीछे से होते हुए एक एक अक्षरों को छोड़ते हुए आ रहा है। फिर जो आगे की तीन संख्याएं हैं मित्रों, आगे में कैबेज में जो एजीई है, एजीई फिर इसके बाद में इस क्रम में आगे बढ़ा हुआ है, यही हमको संबंध यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से देखिएगा ब्रिंजल में मित्रों, जे ए एल ब्रिंजल में देखिएगा एन के एच बी क्यू एम ए, ठीक। अब देखिएगा इसमें मित्रों हमने क्या कहा, आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या में कम होगी, देखिएगा इसका दो होता है यहाँ एक है, अब यहाँ पे जो है आर एक संख्या छोड़ के यहाँ पे देखिएगा 18, तो ये 17, फिर आगे 9 है एक संख्या छोड़ के देखिए 8 हो गया, यहाँ पे एन है एन ही रहेगा, अब जे है अब बढ़ जाएगा के हो गया 10 से 11 हो गया, ए से बी हो जाएगा देखिए बी हो गया, एल से एम हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से हमसे जो पूछ रहा है उसका भी हम निकाल लेते हैं। पंपकिन पूछ रहा है पी यू एम पी के आई एन, ठीक। अब यहाँ जो पी है, पी एक कम करके पीछे लिख दीजिए, तो पी 16 है तो 15 किसका होता है मित्रों, ओ का होता है, ठीक है। अब आपका यू है, यू एक छोड़कर होगा, ठीक है, यू एक संख्या छोड़कर होगी, और यू 21 होता है तो इसका होता है टी।
अब देखिए मित्रों, आगे का अगर आप चाहें पूरा लिखने के लिए तो पूरा लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा PLLJTOO, ठीक है। और आप देखिएगा TOT एक डैश O, आपका आंसर आया था। आप ऑप्शन से जाके मैच कर लेते तो ऑप्शन डी आपका मैच कर जाता, ठीक। तो बिल्कुल इसी क्रम में आपका यह कोडिंग वाला प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट। किसी भाषा में यदि कैम्फर को लिखा जाता है, ट्रबल को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लम्बर को कैसे कोड किया जाएगा, यही हमसे मित्रों पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें पहले कोडिंग कर लेते हैं, फिर हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी। 3, 1, 13, 16, 8, 15 और 18, 4, 3, 16, 20, 13, 21 और 25, ठीक। देखिएगा मित्रों, 3, 3 में एक जोड़ा आ गया 4, 1, 1 में दो जोड़ दिया गया 3, अब 13, 13 में 3 जोड़ दिया गया 16, 16 में 4 जोड़ दिया गया 20, 8 में 5 जोड़ दिया गया 13, और 15 में 6 जोड़ दिया गया 21, और 18 में 7 जोड़ दिया मित्रों आ गया 25। यानी कि जिस क्रम पर वह संख्या है उतनी संख्या हम जोड़ रहे हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे यहाँ 20 है, 20 के बाद 21 आ गया, 18 के बाद 20 आ गया, 15 के बाद 15 3 18, अब यहाँ पे 21 है तो 21 4 25, और यहाँ पे है आपका 2, तो 2 के बाद 5 7 आ गया मित्रों, यहाँ 12 है तो 12 6 18 होगा, और यहाँ 5 है तो 5 और 7 12 हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से आपका प्लम्बर का पूछ रहा है, PLUMBER प्लम्बर का पूछ रहा है, जिसकी हमने कर लिया कोडिंग मित्रों। कोडिंग करने के बाद आप देखिएगा, पहले एक जोड़ दीजिए तो 17, फिर दो जोड़ दीजिए तो 14, तीन जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 24, चार जोड़ दीजिए 17, पांच जोड़ दीजिए तो 5 2 7, 6 जोड़ दीजिए तो 11 और 7 जोड़ दीजिए तो 25। इसकी कोडिंग लिख दीजिए, जिसकी कोडिंग हमको पता है, हमने कोडिंग इसकी लिख दिया, ठीक है। इसकी कोडिंग हमने लिख दिया, अब देख लीजिए 21 में मैच कर रहा है, तो वैसे भी क्यू से आपका स्टार्ट सिर्फ ऑप्शन पहला हो रहा है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। पहला वाला, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए ओ है, एक क्यू है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, यही हमसे मित्रों पूछ रहा है, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, इसमें एक संबंध बन रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो अगली संख्या होगी आपकी 14। 14 किसका होता है, एन का होता है। यहाँ पे देखिएगा मित्रों, 24, 24 में से 3 गए 21, 21 में से 3 गए 18, 18 में से 3 गए 15, 15 में से 3 गए 12, 12 में से 3 गए 9, और 9 में से 3 गए मित्रों आ गया 6, 6 होता है आपका एफ का, एन एफ, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपसे एक संबंध पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या संबंध है आप हमारा, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये है आपका 2, ठीक है, ये है आपका 2, 2 के बाद ये आपका यहाँ पे देखिएगा +2, 4 हो गया, फिर इसके बाद में इसमें देखिएगा +3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा +3 हो गया, यहाँ पे देखिएगा मित्रों +3 हो गया, फिर इसके बाद में इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अब हमारी अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिएगा, टी और वी में +2 है, ठीक है, टी और वी में +2 है, ठीक। इसी तरीके से आप देखिएगा मित्रों, इसी तरीके से आप देखिएगा तो आपके
यहां पर भी देखिए टी और वी है, ठीक, यहां पर भी देखिए टी और वी है, यहां पे देखिएगा जी आई है 729, ठीक है, यहां पे देखिए ए सी 2 का अंतर है, यहां पे भी देखिए ए सी 2 का अंतर है, अर्थात लास्ट वाली संख्या और स्टार्टिंग संख्या में 2 का अंतर है, ठीक। तो एन एन 14 है, तो 2 का अंतर मित्रों हो गया पी आपका आ गया, ये तो 16 आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहां पे आपने देखा मित्रों कि आपके बी और डी में 2 का अंतर है, बी और डी में 2 का अंतर है, और इसके बाद में आपका मित्रों अगली जो संख्या थी आपकी जी, जी और आई में भी 2 का अंतर है मित्रों। तो फिर देखिए यहाँ पे आप आगे और देख लीजिए कि ये वाला जो आप क्यू देखिए, क्यू क्यू और टी, ठीक है, क्यू और टी में देखिएगा +3 का अंतर है, क्यू का कोडिंग 17 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप एक्स और ए की कोडिंग देख लीजिए, एक्स और कोडिंग में भी +3 है, इसकी 24 होती है, इसका एक है, 24 × 3 = 27 यानी 26 × 27 ए सही है। फिर आप यहां से मित्रों देखिएगा इसी तरीके से आप फिर से देखेंगे एक्स और ए के बीच में आपका +3 है, और के बाद आप देखेंगे के बाद आपका के का होता है 11, 11 में +3 जोड़ देंगे 14, अब यहाँ पे बीच की संख्या 5, 5 में जब 3 जोड़ेंगे मित्रों तो आ जाएगा 8, ठीक, और 8 होता है आपके एच का। तो अर्थात आप देख लीजिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा, ठीक। इसमें मित्रों एक मिनट, कुछ प्रश्न में हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत गलती हो गई है, एक मिनट जरा सा रुके रहिएगा। यहाँ पे जो है ना ये पी आपका नहीं है, ठीक है, ये पी नहीं है। चलिए अब यही है, अब देखिए इसमें ये 3 है आपका, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, ठीक है। तो 15 15 किसका होता है मित्रों, ओ का होता है, तो ओ हो जाएगा। तो देखिए ओ आपका किस ऑप्शन में है, ओ आपका है आपका पहले में और चौथे में, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिएगा कि 2 के बाद 5, 5 के बाद आपका 11, इसमें 3 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 6 का अंतर है, ठीक, 3 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, ठीक है, 6 3 9, फिर नहीं मित्रों सॉरी यहाँ पे अंतर नहीं है, ये देखिएगा ये अंतर नहीं है, सॉरी ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्या हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 47 41 31 17 11 5 और 2, ये अभाज्य संख्याएं हैं मित्रों। तो अभाज्य संख्या में 2 एक आपकी अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी मित्रों आपके ऑप्शन में, तो है आपका 23, ठीक है, ये अभाज्य संख्या आएगी यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, देखिए इस तरीके के प्रश्न कितने क्रिटिकल टाइप के हैं, अर्थात अगर आपका ध्यान चूका, हम भी देखिए थोड़ी कोशिश किए लेकिन तुरंत समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ये अलग ही प्रश्न है, तो ये इसका बहुत ध्यान रखना है हमें, एग्जाम में भी बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, सम संख्या के साथ संबंध है, विषम संख्या के साथ संबंध है, किस सीरीज में संबंध है, ठीक, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणे के साथ आपस में बदल दें तो निम्न में से समीकरण का मान क्या होगा। चलिए ठीक है, हमसे कह रहा है कि प्लस को माइनस के साथ बदलना है और भाग को गुणा में बदलना है, यानी कि प्लस को माइनस में बदल देना है
और माइनस को नहीं बदलना है और भाग को गुणे में बदल देना है। ठीक, हमसे यही पूछ रहा है, यही कह रहा है। तो ठीक है मित्रों, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, अच्छा सॉरी मित्रों, कह रहा है प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणे के साथ आपस में बदला जाता है। ठीक है, इसको आपस में बदला जाता है तो क्या आएगा, हमसे यही पूछ रहा है। आपस में बदलने का अर्थ यह हुआ कि जहां गुणा है वहां भाग कर देंगे, जहां गुणा है वहां भाग कर देंगे, और जहां जोड़ है वहां घटाना कर देंगे, और जहां घटाना है वहां जोड़ कर देंगे, और जहां भाग है वहां गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो गया। तो पहले भाग को सॉल्व कर लिए, ठीक है, फिर गुणा को सॉल्व कर लेते हैं मित्रों, कर लिए, फिर इसके बाद में इनको जोड़ देते हैं, 13 6 19। सॉरी, ये 13 था, 13 2 26, 26 और 13, ये हो गया आपका मित्रों 39। 39 में से आपका 10 गया, आ गया 29। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट, फिर वही है, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदलते हैं, ठीक है, तो निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसमें मित्रों हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, ऐसे में दो ऑप्शन को ज्यादातर चेक करने की कोशिश किया कीजिए एग्जाम में, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले पहला चेक कर लिया कीजिए, इसके बाद में लास्ट वाला चेक किया कीजिए, तब आपका दूसरा वाला किया कीजिए, ऐसे में उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। जहां गुणा है वहां भाग कर दिए, और जहां माइनस है वहां प्लस कर दिए, और जहां प्लस है वहां माइनस कर दिए, और जहां भाग है वहां गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ तो आ गया 5 और धन 17 माइनस 6 दूनी 12। ठीक, और 17 और 5, ये हो गया आपका मित्रों 22। 22 में से 12 गया, 10 आ गया, और जबकि 11 लाना था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, चलिए लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में देखिए, 17 माइनस 7 गुणे 2 प्लस 21 भागे 3। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 17 माइनस 7 गुणे 2 धन, ये आपका हो गया 7। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया 17 माइनस 14 धन 7। ठीक है, और 17 और 7 दोनों प्लस में है, तो जोड़ दीजिए, 17 7 मित्रों हो गया आपका 24, 24 में से 14 गया, आ गया आपका 10, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ना है और ए और सी के बीच में क्या संबंध है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ के बताना है। ठीक है, ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है। ठीक, ए जो है वो आपके बी का बेटा है, ए जो है वो आपके बी का बेटा है, और सी जो है, सी जो है वो आपके डी की बेटी है। ठीक, चलिए अब कह रहा है, क्या पहला ऑप्शन सही है, ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, इस बात को कह पाना मुश्किल है मित्रों, इस बात को कह पाना मुश्किल है। ठीक, सी ए से लंबा है, इस बात को भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिएगा आपके सामने एकदम संबंध दिया गया, ए और सी के बीच में संबंध हमसे पूछ रहा है, जिसमें कह रहा है कि ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, और सी जो है आपके डी की बेटी है। ठीक, चलिए, बी पुरुष है और डी महिला है, क्या बी पुरुष है डी महिला है, इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है हमारे ऑप्शन में, इसलिए ये भी नहीं होगा। और देखिएगा, डी बी की पत्नी है, जो डी है वो आपके बी की पत्नी है, क्या इस बात को हम कह सकते हैं, तो देखिएगा इस बात को हम एक तरह से कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, हमें उत्तर तो चारों में से देना है, तो ए सी से बड़ा है इसका तो हम कह ही नहीं सकते, कहीं से कोई संबंध नहीं है। सी ए से लंबा है, ये भी नहीं कह सकते, बी पुरुष है डी महिला है, इस बात को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन डी बी की पत्नी है, ऐसा अगर है तो क्या ए और सी के बीच में संबंध आएगा, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना कि संबंध ए और सी के बीच में निकालना है, तो ए और सी के बीच में संबंध कब आएगा, जब डी की बी जो है आपकी पत्नी हो गई, किसकी, डी की, तब ये दोनों भाई बहन हो गए, तो
तो इनके बीच में संबंध बन गया? जी सर बिल्कुल बन गया। तो इनके बीच में संबंध किससे बना? ऑप्शन डी से बना। जब डी बी की पत्नी कहलाई, जब डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है, सॉरी डी ये जो है आपके बी की पत्नी है, तो बी यहाँ पे पुरुष है, डी स्त्री है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे इस ऑप्शन से हमको ए और सी भाई बहन मिल गए, हमें संबंध मिल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से पांचवें स्थान पे है, जो राजेश है वो आपका बाईं ओर से पांचवें स्थान पर है, ठीक। चलिए, और कह रहा है कि सतीश के दाईं ओर पांच छात्र हैं, तो सतीश जहां भी बैठा है उसके दाईं ओर पांच छात्र हैं, अर्थात सतीश जहां बैठा है उसके इधर छठवें स्थान पे होगा वो, दाहिनी तरफ से इसके इधर पांच छात्र बैठे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। यही तो इसका मतलब हुआ। फिर कह रहा है कि जो दीपक है वो राजेश और सतीश के बीच में कहीं पर बैठा हुआ है, ठीक है। जो दीपक है वो आपका राजेश और सतीश के बीच में कहीं पर बैठा हुआ है। टोटल 20 छात्र हैं हमारे। तो देखिएगा मित्रों, ये पांच यहाँ तक है और यहाँ तक 6 हैं, तो 6 5 11, तो इसका अर्थ है कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 9 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक। राजेश और सतीश के बीच में 9 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए क्या है, फिर से देखते हैं। कुल 20 छात्र हैं। दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। अच्छा, दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? ध्यान दीजिएगा कि दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, हमें इस प्रश्न का उत्तर निकालना है, यानी इन दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इस पे बात होगी। ध्यान रखिएगा, इस पर बात होगी। बाकी दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये हमारा यहाँ से, इस ऑप्शन से हमारा यह उत्तर नहीं निकलेगा। राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं, ये भी सही है, लेकिन इससे दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र हैं इसका जवाब नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, अगर दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं तो अर्थात दीपक 9वें स्थान पे है राजेश से, अर्थात दीपक और सतीश के बीच में कोई भी छात्र नहीं बैठा है, इस बात का जवाब हमको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? ऑप्शन सी से मिल रहा है, ठीक। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिया गया है कि अमन जो है वो आपके बोमन और चमन की औसत आयु क्या है, अर्थात यहां से हमको निकालना है कि अमन बोमन और चमन की औसत आयु क्या है, यही हमको यहाँ पर मित्रों निकालना है, ठीक है। इसी प्रश्न का जवाब देना है हमको। चलिए देखते हैं क्या है, पहला क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अमन बोमन और चमन की आयु का अनुपात दिया गया है, तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, ठीक, हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, अमन का 6 के मान लेते हैं, बोमन का 5 के मान लेते हैं और चमन का आपका 3 के मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है कि बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है, तो क्या इससे इनकी औसत आयु निकाली जा सकती है? अगर कह रहा है कि बोमन की आयु चमन की आयु से, तीनों की आयु के औसत से, ठीक है, तीनों की आयु के औसत से अधिक है, तो क्या इससे तीनों की औसत आयु निकाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, तीनों की औसत आयु हमको निकालनी है, तो तीनों की औसत आयु निकालने के लिए अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि अधिक है, अगर बराबर की कोई बात की जाती तो यहाँ पे हमारे पास अचर राशि है, अचर राशि का एक संबंध आता,
उस अचर राशि के संबंध के साथ हम उस प्रश्न का उत्तर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे मित्रों पहले ऑप्शन से आपका नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए दूसरा आप देख लेते हैं। बोमन और चमन की आयु में अंतर अमन और बोमन की आयु के अंतर से दोगुना है, तो क्या इससे निकल आएगा? तो देख लेते हैं, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इससे निकलेगा क्या। तो कह रहा है बोमन और चमन की आयु का अंतर, बोमन और चमन यानी 2K, 5K और 3K, 2K अंतर कितना है? अमन और बोमन की आयु, अमन की आयु कितनी है? 6K, और बोमन की आयु कितनी है? 5K, से एक से दो गुना अंतर है, तो एकदम सही है, ये तो एकदम सही है। लेकिन क्या इससे इनकी औसत आयु निकल आएगी? नहीं निकलेगी। कहाँ निकल रही है औसत आयु? संबंध तो बन गया, लेकिन के बराबर एक आ रहा है, लेकिन इससे कोई आयु नहीं निकली इनकी। ठीक है, यहाँ पे इससे भी इनकी औसत आयु नहीं निकलेगी। अमन की आयु चमन की आयु से दोगुनी है, दिख तो रहा है, लेकिन क्या इससे भी इनकी औसत आयु निकलेगी? देखिए औसत आयु कैसे निकलती है, पूरा हम जोड़ देंगे इनकी आयु, 6K, 5K, 3K। ठीक, हमने तो जोड़ दिया, 6 5 11, 11 3 14, 14K/3 कर दिया, तीन लोगों की आयु निकालना है, तो 14K/3 आ रहा है ना, इनकी औसत आयु तो अभी भी नहीं आई। अमन की आयु चमन की आयु की दोगुनी है, इससे भी नहीं आएगा। अब कह रहा है कि चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा था, तो देखिए दो ऑप्शन, पहली चीज की जब तीन ऑप्शन नहीं है तो चौथा अपने आप सही है, एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि चमन के पहले जन्मदिन पर, ठीक, चमन के पहले जन्मदिन पर, यानी कि आज जो चमन का, आज चमन कितने साल का है? 3K का है, मान लीजिए जैसे 3 साल का है, तो चमन का जो जन्मदिन था वो 1 साल था, 1 साल कम हो जाएगा ना, जैसे 3K है, मान लिया कि किसी का जन्मदिन 1 साल बाद मनाया जाता है, तो उसके जन्मदिन में जब हम एक घटा देंगे, उसके जन्मदिन में जब हम एक घटा देंगे तो उसका जन्म, जिस दिन वो जन्मा है वो निकल आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जो चमन का जन्मदिन है यानी कि 3x-1, ठीक, 3K-1, यहाँ पे अमन चमन का जो जन्मदिन था वो 3K है, आयु, आयु में से 1 साल पहले, ठीक, कर दिए, उसका क्या आ गया? जन्म आ गया चमन का 1 वर्ष पहले। क्या संबंध हमसे कह रहा है? कह रहा है कि अमन के, अमन बोमन से 9 साल बड़ा था। ठीक है, तो जो अमन था, अमन की आयु तब कितनी थी ये देख लेते हैं। तो अमन की आयु कितनी थी? अमन की आयु उस समय थी 6K, 6K में से, 6K में से यही इसकी पहले जितनी जन्म चमन की आयु थी उसको हम घटा देंगे, क्योंकि तब तक तो नहीं जन्मा था ना, तो ये हमको पता चल जाएगा कि अमन कितने साल का था। जैसे देखिए एज एग्जाम्पल समझिएगा कि जब अमन 6 साल का था तो चमन इस समय 6 साल का है और चमन 3 साल का है, तो जब चमन पैदा हुआ तो चमन की आयु तो 0 वर्ष थी, तो अमन की आयु कितनी थी? यानी कि अमन 3 साल का हो, चमन 3 साल का हो चुका है, तो 3 साल पहले की बात पूछ रहा है ना, तो 3 साल पहले अमन 3 साल का था, तो हमने कैसे निकाला? अमन की आयु में से चमन की आयु को घटा दिया। ठीक, तब हमें मिल गया। तो चलिए यहाँ भी मित्रों देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 6K-3K+1, ठीक, अर्थात ये हो गया आपका 3K+1, 3K+1 क्या आ गया आपका? अमन की आयु आ गई मित्रों, ये हो गई आपकी अमन की आयु, 3K-1 हो गई आपकी चमन की आयु, और इसी तरीके से आप मित्रों जब बोमन की आयु निकालेंगे 3K-1 पहले में, तो इसका कितना है? 5K है, 5K में से इसको घटा देंगे मित्रों, तो हो जाएगा आपका 5K-3K+1, अर्थात इसकी आ गई आपकी, बोमन की आयु आ गई आपकी मित्रों 2K+1। ठीक है, ये आ गई आपकी बोमन की आयु। ठीक, अब देखिएगा मित्रों हमसे चमन की, अमन की और बोमन की तीनों की आयु मिल गया, तो तीनों की आयु का हम संबंध निकाल लेते हैं जो हमसे प्रश्न में कह रहा है। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनके अमन और बोमन से 9 साल बड़ा था, जो अमन है वो आपके बोमन से 9 साल बड़ा था,
अर्थात अमन की आयु का अंतर और बोमन की आयु का अंतर 9 साल है। यही तो हमसे कह रहा है मित्रों, यही तो हमसे कह रहा है ना। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3k+1 - 2k - 1 = 9। तो ये हो गया आपका k इक्वल टू आ गया 9। अगर k बराबर मित्रों 9 आ गया तो देखिए हमने क्या निकाला था, 14 k/3। इनकी औसत आयु कितनी निकाली थी, 14 k/3। 6 5 11 3 14, 14 k/3, और k की वैल्यू आ गई 9, अर्थात 14 × 9/3। तो 3 3 9 14 3 42, 42 वर्ष आएगा इनका मित्रों उत्तर। अर्थात आप देख रहे हैं कि जब अमन बोमन और चमन की औसत आयु निकालने के लिए जो ऑप्शन डी है यही फॉलो करेगा। ठीक है, एग्जाम में हमें इतना नहीं करना है, एग्जाम में बस हम सोचते हुए चले गए कि पहले ऑप्शन से आएगा नहीं आएगा, दूसरे से आएगा नहीं आएगा, तीसरे से आएगा नहीं आएगा, तो चौथा बेशक आएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यही हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक, हमारा यही बताना होगा हमको। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले कौन कौन से संबंध ये हमसे बनवा रहा है। ठीक, तो पहले संबंध बना लेते हैं मित्रों। 8 दोस्त हैं ABCDEF और G, एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, बना दिए गोल मेज। फिर कह रहा है ए बी के ठीक सामने बैठा है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, ए जो है वो आप ठीक बी के सामने बैठा हुआ है, बैठा दिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ई के ठीक सामने एफ है। ठीक, ई के ठीक सामने एफ है, बैठा दिए। सी जो है आपका ई और ए के बीच में बैठा है, तो यहां पे है, चलिए हमारा बैठ गया। ठीक है, डी जो है ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, तो हमारा चलिए यहां भी बैठ गया। ठीक, अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बी के ठीक दाईं ओर, ये है बी का ठीक दाईं ओर, यहां स्थान पे कौन बैठा है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा, देख लीजिए। ए सी और डी के बीच में बैठा है, बैठा तो है लेकिन इससे हमारा क्या उत्तर आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। सी जी के ठीक सामने बैठा है, सी जो है जी के ठीक सामने बैठा है, ये तो ठीक है लेकिन क्या इससे हमारा उत्तर आएगा, नहीं आएगा। बी जी और एच के बीच में बैठा है, तो बी जो है कह रहा है कि जी और एच के बीच में बैठा है, तो क्या इससे हमारा उत्तर आएगा, जी सर बिल्कुल आएगा। ठीक, बी जो है जी और एच के बीच में बैठा है, तो क्या इससे हमारा उत्तर आएगा, तो आएगा। इससे हमारा उत्तर आएगा, ठीक, डी ए और एफ के बीच में बैठा है, तो इससे भी हमारा क्या उत्तर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कहां से आ रहा है, तो हमारा उत्तर आ रहा है मित्रों ऑप्शन सी से आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी से हमारा उत्तर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। एक आदमी 200 रुपए लेकर बाजार गया। ठीक है, उसने 50 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम सेब खरीदा और 2 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, तो देखिएगा 50 रुपए प्रति किलो की दर से उसने क्या खरीदा मित्रों, 2 किलो सेब खरीदे। तो 2 किलो सेब उसने खरीदा 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो उससे आप देख रहे होंगे, तो इससे आपने क्या देखा, उसने 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम सेब खरीदा, सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास कितनी शेष राशि बच रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
बाजार में केले 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, सेब पर 5% और केले पर 10% छूट थी, दो दर्जन केले का वजन 2 किलोग्राम सेब के वजन के बराबर था, एक दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर थी। तो समझिएगा मित्रों, पहला वाला देखिए, तो यहाँ पे केले के जो भाव दिया है वो 50 रुपए प्रति केजी दिया है और केला हमारा दर्जन में है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे से, जब हमें केले का रेट ही नहीं पता है तो हमें छूट से कोई मतलब ही नहीं है, तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तीसरे में देखिएगा कि यहाँ पे वजन की बात कर रहा है एक दूसरे के, तो ये भी हमारे प्रश्न में नहीं है, तो चौथा तो हमारा सही हो गया। चलिए ठीक है, चौथा सही है, अब इसको हम फॉलो करके देख लेते हैं। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो सेब का दाम हो गया 100 रुपए, और कह रहा है कि आधा किलो सेब के लागत के बराबर एक दर्जन केले का दाम है, अर्थात आधा किलो सेब कितने का हुआ 25 रुपए, 25 रुपए दर्जन के हिसाब से केला, दो दर्जन का दाम हो गया 50 रुपए, यानी टोटल 150 रुपए, 150 रुपए उसका हुआ, तो उसके पास कितना बचा 50 रुपए बचा, 200 रुपए था, अर्थात हमारा उत्तर आ जाएगा खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है, हमारा उत्तर आ गया 50 रुपए। ठीक, तो ये आपको सॉल्व नहीं करना है, हमने चेक करके बता दिया, अर्थात या कर भी सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य के सिक्कों के रूप में धन है, सिक्कों की कुल संख्या 150 है, उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, आपसे यही पूछ रहा है प्रश्न में। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 थी, चलिए ठीक है, यहां से तो हमको पता चल गया कि 5 मूल्य के जितने थे उसमें से सिक्कों की संख्या तो आ गई 25, लेकिन आगे का क्या, आगे का क्या, और 2 रुपए के कितने थे, 1 के कितने थे, ये कैसे पता चलेगा, तो कैसे धनराशि निकलेगी, यानी पहला वाला नहीं होगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना थी, ठीक है, तो चलिए ये तो बात ये भी समझ में आ गई कि चलिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना थी, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी थी मित्रों, ये तो नहीं पता है, अर्थात ये वाला भी नहीं होगा। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से दुगुनी थी, तो 1 रुपए के सिक्कों का क्या संबंध है, तो ये भी नहीं है। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 3, 2, 5 के अनुपात में है, यहाँ पे देखिए दिया है, अर्थात आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 रुपए का है आपका 3x मान लिए, ठीक है, और 2 रुपए का है आपका 2x मान लिए, 5 रुपए का x मान लिए, अनुपात में 3:2:1 के अनुपात में है, बराबर पूरा 150 सिक्का है। ठीक, तो हो गया आपका 6x बराबर 150, तो x बराबर आ गया मित्रों 25, तो धनराशि निकाल लीजिए, धनराशि निकाल लीजिए, तो धनराशि हमसे धनराशि ही तो पूछ रहा है, धनराशि कैसे निकलेगा, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 25 है, तो कितने रुपए हुए, 25 हुए, ठीक, प्लस, अरे सॉरी 3x होगा ना, 3x है ये, इसी में तो मान रखना है हमको, तभी तो धनराशि आएगी। ठीक है, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है, 25 है, ठीक है, तो कुल धनराशि हमको मित्रों निकालनी है, आगे हम लोग क्या करेंगे, चलिए धनराशि निकाल लेते हैं, तो धनराशि देखिए कैसे निकलेगी, तो धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपए के कुल कितने हैं, 3x सिक्के हैं, यानी 25 75 सिक्के हैं, यानी 75 रुपए हो गया। ठीक, प्लस, अब हमसे कह रहा है कि जो 2 रुपए हैं उसके आपके 2x सिक्के हैं, यानी 25 दूनी 50 सिक्के हैं, अगर 50 सिक्का है आपका 2 रुपए का, तो उससे कितने रुपए तैयार हुए मित्रों, 100 रुपए तैयार हुए, और आपसे कह रहा है कि 25 सिक्के कितने के हैं, 5 रुपए के, तो इससे कितने रुपए तैयार हुए, 125, 25 पंजे 125, तो ये हो गया आपका मित्रों 300 रुपए। ठीक, एक और भी तरीका होता है, इसमें देखिए जैसे 3x है, 1 रुपए का सिक्का है, यहाँ पे 2x के आपके 2 रुपए के सिक्के हैं, प्लस x के 5 हैं, तो ये टोटल कितना होता है, तो ये देखिए 3x प्लस 2 दूनी 4x प्लस 5x, तो
तो 5 4 9 3 12 x, ठीक 12 x आ गए टोटल। तो 12 गुणे 25, 12 गुणे 25 बराबर 300, यही 300 रुपये आपका आ गया। ठीक, तो दोनों विधि से हम अपना कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला के हम ये देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट, एकदम सटीक तरीके से आपके ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, यही हमको देखना था कि जिससे हमारे इस प्रश्न का उत्तर निकल आए। तो ये हमारा ऑप्शन बी से निकलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि जो ए है वो बी का भाई है। ठीक, ए बी का भाई है, ठीक है, जो सी की बहन है। ए बी का भाई है, किस उस बी का भाई है जो कि सी की बहन है। ठीक, चलिए, सी की बहन है तो ये बहन है बी, ठीक है, इतना संबंध हो गया। चलिए, अब कह रहा है ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं, यानी कि ए बी सी जो हैं ये आपके ई और एफ की संतानें हैं। ठीक है, एफ का बी से क्या संबंध है यही पूछ रहा है। इसका अर्थ ये है ई और एफ में से कोई पति पत्नी है, ये तो माता पिता हैं, इनकी संतानें हैं, तो संतानों से तो समझ में आता है कि ये इनके माता पिता हैं। ठीक, ये इनके माता पिता हैं, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन इसमें से ई और एफ का जेंडर हमारा यहाँ पे अभी तक नहीं निर्धारित है, हमें जेंडर ही निर्धारित करना है। ठीक, चलिए देखते हैं पहले वाले से। सी एफ का पुत्र है, सी जो है एफ का पुत्र है, तो क्या एफ का जेंडर यहां से निर्धारित हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये वाला गलत हो गया। ई ए के पिता है, अगर जो ई है वो आपके ए के पिता है तो एफ माता है, अर्थात यहां से जेंडर आपका निर्धारित हो गया। तो एफ का बी से क्या संबंध है? एफ बी की माँ है, यह हम यहां से बता सकते हैं। ठीक, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देख लीजिए, ई और एफ का एक बेटा और दो बेटियां हैं, यहां से भी हमारे ई और एफ का जेंडर निर्धारित नहीं हो रहा है। ठीक है, ई और एफ के दो बेटे और एक बेटी हैं, यहां से भी ई और एफ का जेंडर निर्धारित नहीं हो रहा है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है, दमयंती का रोल नंबर क्या है? हमसे यही पूछ रहा है। दिनेश का रोल नंबर दिया है, उमा का रोल नंबर दिया है, और हमसे दमयंती का रोल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, कक्षा में 20 छात्र हैं, हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में 20 छात्र हैं, क्या इससे इसका उत्तर आ सकता है? तो देखिए, अगर कक्षा में 20 छात्र हैं तो क्या इससे दमयंती का रोल नंबर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं आएगा। दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। ठीक है, दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है। दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है। दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या, दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या के समान है। तो देख लीजिए, 10 है आपके दिनेश का, फिर इसमें 16 है, तो यानी 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक, देखिएगा कि दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या, अगर हम दमयंती को 13 पे बैठा देते हैं, ठीक है, तो दमयंती को अगर हम 13 पे बैठाते हैं तो दिनेश यहाँ पे 16 पे उमा है और 10 पे दिनेश है आपका। ठीक है, तो हमसे कहता है कि दिनेश और दमयंती के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या, यानी इनकी संख्या कितनी है? 2। दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2 के समान है। बिल्कुल, ये वाला सही है। तो क्या इससे हमें यह पता चल गया कि दमयंती का रोल नंबर क्या है?
बिल्कुल पता चल गया कि दमयंती का रोल नंबर क्या है। ठीक, एक यहाँ पे मित्रों और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे जो कह रहा है कि दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है, यानी कि 10 नंबर पे दिनेश है और इससे 6 स्थान आगे में ही, ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 स्थान आगे कौन सा है, यानी यहाँ का आएगा 9 8 7 6 5 4, यानी कि ये कह रहा है कि यहां से एक चीज हमको और मिल जाती है कि इस आधार पे दमयंती का रोल नंबर 4 है। ठीक, तो देखिए इसमें दो आंसर मैच कर रहे थे, दो ऑप्शन मैच कर रहे थे, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। लेकिन अगर ये मान लीजिए ऐसा नहीं होता, फिर खुदा न खास्ता ऐसे प्रश्न नहीं मैच करते, ऐसे ऑप्शन नहीं मैच करते, तो हमें कैसे समझना है, इसलिए हमने इस प्रश्न पे डिस्कस किया। ठीक है, और अगर आप देखिए कि यहाँ पे आगे और पीछे का एक है जो कि इंग्लिश से आपका यहाँ बिफोर ही था, ठीक है, बिफोर था इंग्लिश में, इसलिए आपका दो आंसर यहाँ पे बन रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया इसमें, क्योंकि दो आंसर था। बाकी अगर मान लीजिए बी को नहीं लेते हैं तो डी सही है, डी को लेते हैं और बी को लेते हैं तो डी गलत रहेगा, मतलब इसमें दोनों सही है, एक ही सही रहेगा, इसलिए इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था। बाकी सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। कह रहा है कि हर्षद की आयु उसके बेटे हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम पहले मान लेते हैं कि जो विजय की आयु है, विजय की आयु उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, विजय की आयु को एक्स मान लेते हैं, तो हर्षद की आयु कितनी हो गई मित्रों, हर्षद की आयु हो गई विजय की आयु की 4 गुनी, 4x। ठीक है, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले विजय की आयु, तो 4 वर्ष पहले विजय की आयु कितनी थी, एक्स माइनस 4। सुधा की आयु 4 वर्ष पहले हर्षद की आयु, ठीक, ये हो गई। फिर कह रही है सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु से 6 गुनी थी। ठीक है, 4 वर्ष पहले ये हो गया आपके विजय की आयु, और 4 वर्ष पहले आपके सुधा की आयु कितनी थी, सुधा की आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी उसके बेटे, ठीक है, 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु, तो विजय की आयु कितनी थी, 4 माइनस x माइनस 4 से 6 गुनी। ठीक, यानी कि 6x माइनस 24, ये आपकी सुधा की आयु आ गई। तो सुधा की वर्तमान आयु अगर मित्रों पूछा जाएगा, ये तो 4 वर्ष पहले था, ये 4 वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो वर्तमान में सुधा की आयु अगर हमसे पूछेगा तो वर्तमान में सुधा की आयु हो जाएगी 6x माइनस 24 प्लस 4, ठीक, -24 + 4, यानी कि 6x माइनस 20। ठीक, ये है आपकी सुधा की वर्तमान आयु। चलिए हमें सुधा की वर्तमान आयु भी मिल गई मित्रों, हमें विजय की आयु मिली है, हर्षद की आयु मिली है। अब हमसे पूछ रहा है कि सुधा की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 6x माइनस 20, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कहां से आएगी, इसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू कहां से आएगी। ठीक, चलिए पहला वाला देखते हैं। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। 4 वर्ष बाद हर्षद की आयु कितनी होगी, 4x, और यहां से सुधा की आयु जो है वो होगी आपकी 6x माइनस 20 में 4 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिएगा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद 4x प्लस 4,
इसकी आय हो गई। ठीक है, 4 वर्ष बाद इनकी आय कितनी हो जाएगी हर्षद की, 4x+4। ठीक है, और आपके सुधा की आयु कितनी हो जाएगी, 6x-20+4 यानी कि -60। ठीक है, कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर है मित्रों वो आएगा आपका 4 वर्ष। ठीक, उनके बीच का अंतर 4 वर्ष आएगा, तो इनके बीच का अंतर जो है 4 वर्ष आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 6x बड़ा है तो उसको रख लेते हैं, 6x-16 -4x-4 बराबर 4। ठीक है, तो देखिए 6x में से 4x आ गया, मिला मित्रों आपको 2x, और यहाँ पे है 16 4 20 -20, -20 इधर आ जाएगा 4 में से, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो x बराबर आ गया 12। अगर x बराबर 12 आ गया मित्रों तो 12 6 72, 72 में से 20 गए तो आपका मित्रों कितना आ जाएगा, 52। तो पहले वाले ऑप्शन से तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले वाले आंसर से आपका आंसर आ रहा है। ठीक, चलिए दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग, 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 8 अधिक होगा। हर्षद और सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 8 वर्ष अधिक होगा। 4 वर्ष पहले हर्षद विजय और सुधा की आयु का योग उनकी वर्तमान आयु के योग से 12 वर्ष कम था। हर्षद विजय और सुधा की औसत आयु सम संख्या में है। तो देखिए ऑप्शन डी तो है नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी सी को हम सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैच कर सकते हैं, हमें वहां से मिल जाएगा। अच्छा मित्रों, ऑप्शन ए को फिर से देख लीजिएगा कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर था। अगर हर्षद की आयु को पहले मान लेते हैं तो फिर देखते हैं हमारा क्या आता है, -6x और माइनस माइनस ये हो गया आपका, यहाँ माइनस रहेगा अगर, तो ये --+16 हो जाएगा बराबर 4 के, तो ये हो जाएगा आपका -2x, और ये हो गया 16 4 20 यानी कि 4 -20। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2x बराबर -16, तो x बराबर 8। तो चलिए ये जो दूसरा वाला है ये आपका वैसे प्रश्न के हिसाब से एकदम सही है, दूसरा वाला आपका प्रश्न के हिसाब से एकदम सही है, तो इसी को हम मान लेते हैं। तो x बराबर अगर 8 आ जाएगा तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रख देंगे, 8 6 48, 48 में से 20 गए 28, तो हमारी सुधा की वर्तमान आयु आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आज इतना ही मित्रों, बाकी हम फिर अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जो मित्र हमारे अभी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आपको हमारे वीडियो से ज्यादा आपके आगामी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त हो, यही हमारी आपसे ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।